फ्रेंड, मैं मनीष कुमार। आज हम लोग बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच सब्जेक्ट टेलीविज़न इंजीनियरिंग। आज टेलीविज़न इंजीनियरिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है साउंड ट्रांसमिशन। साउंड ट्रांसमिशन में साउंड का किस प्रकार ट्रांसमिशन होता है, किस प्रकार हुआ साउंड इधर से उधर मतलब ट्रांसमिट होता है, एक स्थान से दूसरी जगह जाता है। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है साउंड ट्रांसमिशन में। इन ए टीवी सिस्टम ए सेपरेट साउंड ट्रांसमीटर इज यूज बीच इज कनेक्टेड विथ कंबाइनिंग नेटवर्क ट्रांसमिटिंग एंटीना। देखो, इन ए टीवी सिस्टम, कोई टीवी सिस्टम में, टेलीविजन सिस्टम में, ए सेपरेट साउंड ट्रांसमीटर, एक सेपरेट साउंड को ट्रांसमिट किया जाता है जिसका यूज कहाँ करते हैं, बीच इज कनेक्टेड विथ कंबाइनिंग नेटवर्क, वो कंबाइनिंग नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है। कंबाइनिंग नेटवर्क क्या होगा, तो साउंड का ट्रांसमिशन किससे होता है, माइक्रोफोन, ऑडियो एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटिंग, इन सब हो गया कंबाइनिंग नेटवर्क से जुड़ा होता है। माइक्रोफोन इज ए ट्रांसड्यूसर, माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। बीच इज कन्वर्ट साउंड एसोसिएटेड विद पिक्चर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन वोल्टेज फॉर्म। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, माइक्रोफोन इज ए ट्रांसड्यूसर, माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। बीच कन्वर्ट साउंड एसोसिएट, वह कन्वर्ट करता है साउंड विद पिक्चर, पिक्चर के साथ इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मीन यहाँ पे ट्रांसड्यूसर का मेन काम क्या हो गया, ट्रांसड्यूसर का मेन काम हो गया कि साउंड को पिक्चर में, सॉरी साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे जान गए कि माइक्रोफोन, यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, इनपुट यहाँ पे देंगे साउंड, कुछ हम बोले तो माइक्रोफोन माइक के पास जाएगा, माइक में ट्रांसड्यूसर लगा रहता है जो कि वायर के थ्रू क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ट्रांजिस्टर वहाँ पे लगा रहता है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट करता, वही हो गया यहाँ पे ट्रांजिस्टर का काम। फिर क्या करता, दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो सिंगल डायमेंशन, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पास सिंगल डायमेंशन होता है, सिंगल डायमेंशन टाइम, देन सिंगल चैनल इज यूज फॉर ट्रांसमिशन। सिंगल चैनल जो होगा ट्रांसमिशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, किस चैनल का, जो सिंगल ट्रांसमिशन होगा वो सिग्नल चैनल मतलब सिंगल चैनल के लिए यूज होता है। सिंगल चैनल के लिए किसका यूज होगा, ट्रांसमिशन का, कौन सा ट्रांसमिशन, सिंगल डायमेंशन। द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज वेरी वीक, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा बहुत वीक होगा, जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा बहुत वीक होगा। देन फर्स्टली इज एम्पलीफायर बाय ऑडियो एम्पलीफायर, सबसे पहले इसको ऑडियो एम्पलीफायर में भेजेंगे, बिकॉज जो हम लोग बोलते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होता है कि वह लाउड स्पीकर के पास देगा, इसलिए वह पावर एम्पलीफायर को दिया जाता है, सॉरी ऑडियो एम्पलीफायर को दिया जाता है। ऑडियो एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा और पावर एम्पलीफायर को देगा, उसके पावर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। फिर आफ्टर एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन के बाद द ऑडियो सिग्नल इज पास थ्रू एफ एम मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर। देखो, आफ्टर एम्पलीफायर, एम्पलीफाई होने के बाद ऑडियो सिग्नल इज पास, ऑडियो सिग्नल पास होगा थ्रू आउट मॉड्यूलेटिंग एफ एम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के पास क्या होगा, पास होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करेगा, मॉड्यूलेटिंग में कैरियर और ऑडियो सिग्नल को दोनों को मिक्सिंग करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में द ऑडियो सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी, ऑडियो सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड विथ कैरियर सिग्नल, कैरियर फ्रीक्वेंसी। मीन्स यहाँ पे क्या करा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी के, ऑडियो सिग्नल के और कैरियर फ्रीक्वेंसी दोनों को मिक्सिंग करेगा, किस में, मॉड्यूलेटेड में। थैंक यू सो मच, यहाँ पे साउंड ट्रांसमिशन को समझ चुके हैं।